हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के तौर तरीके पर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने गुरुवार को कहा है कि हम अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के साथ जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेट्रो शहरों में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन शहरों में पॉजिटिव दर भी बहुत बढ़ गई है। कोलकाता में पॉजिटिव दर जहां 47% हो गई है, तो वहीं मुंबई में 29.90% दर्ज की गई है। दिल्ली में ये आंकड़ा जहां 15.34% रहा, तो वहीं चेन्नई शहर में 7.3% दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR, UP, हरियाणा के साथ कई राज्यों में फिलहाल सर्दी का कहर जारी है। यही नहीं, अभी 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश जारी रहेगी। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी जैसे उत्तर भारत के राज्यों में मध्य भारत में बारिश का मौसम बना रहेगा। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब के साथ कई राज्यों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 3 जनवरी से ठंड की छुट्टी की घोषणा स्कूलों में कर दी गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शुक्रवार को बारिश के आसार है, जो रविवार तक चलेगा। शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की वजह से फिलहाल भले ही तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश का दौर खत्म होने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। इससे ठिठुरन भरी ठंड भी बढ़ेगी और वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेंड्रोस अघुमनोम घेब्रियस का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले कम खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये बेहद कम लक्षण वाले नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये पहले आए डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम घातक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे कम लक्षण वाली श्रेणी में रखा जाए। भारत में MSME क्षेत्र GDP और रोजगार सृजन के जरिए राष्ट्रीय अर्थ स्वास्थ्य योजना देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लगभग 63 मिलियन उद्यमों वाले MSME सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 30% और मैन्युफैक्चरिंग में 45%, निर्यात के 40% का योगदान करते हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 113 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। सुरक्षा बलों के आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए जालुवा में छिपे 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि उन्हें ढेर करने से पहले सुरक्षा बलों ने रात से लेकर सुबह तक उन्हें कई बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। इसके लिए गांव के बुजुर्ग और मौलवियों की मदद भी ली गई, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के संसद कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हिंसक मामले में 1 साल पूरे होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जबरदस्त हमला बोला है। बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप के झूठ का जाल अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। बाइडेन ने इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 1 साल पहले हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान उस वक्त खतरे में था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।